अब उसके बाद सेट की सेट्स की बात करें तो हम बात करें टाइप ऑफ सेट्स या डिस्क्रिप्शन। पहले आपको सेट्स को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो होता है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म और दूसरा होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहले बात कर रहे हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म की। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, अब रोस्टर और टेबुलर फॉर्म कौन सा है? ये वन, जब हम एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा, दिस इज कॉल्ड रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। तो जब भी इस तरह से लिखा जाएगा, जैसे मैंने आपसे बोला एक एग्जांपल लेता हूं, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स तो क्या होगा, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, तो ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया 2, 4, 6, 8 सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। सो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर हो गया 2, 4, 6, 8, तो ये दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म। एक होता है आपका टेबुलर सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसमें एलिमेंट नहीं लिखते हैं, सिर्फ प्रॉपर्टी लिखते हैं, ऐसे जैसे है इक्वल टू एक्स सच डेट, ये सच डेट का साइन है, सब ऐसा बोल दिया है x such that x plus y, x belongs to natural number और x की वैल्यू less than equal to 3। भाई अब x natural number को belong कर रहा है, यदि x natural number को belong कर रहा है तो x की वैल्यू 1 से start होगी और x की वैल्यू 3 तक रहेगी बस। तो ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको हम लिखेंगे x equal to 1 रखा तो 6, 2 रखा तो 7 और 3 रखा तो 8। ये हमारा इसका सेट बिल्डअप फॉर्म है। x such that x plus 5, x belongs to natural number, x is less than equal to 3। और देखो कुछ एग्जांपल और देता हूं, ये सेट बिल्डअप फॉर्म है और ये आपका रोस्टर फॉर्म। जैसे एक और एग्जांपल लें अपन, b equal to x such that x equal to n upon n plus 1, n belongs to natural number and n is less than 8। अब n आपका natural number को belong कर रहा है और n की value 8 से कम है, तो बेटा n की value 8 से कम है मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 से लेकर 7, तो सबो मैंने 1 रखा तो 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8, बस 7 तक रखेंगे, ये इसका वैल्यू हो गया 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। इस तरह से लिखना आपका सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। अब टाइप ऑफ सेट्स की बात कर लेते हैं। टाइप ऑफ सेट्स में पहला आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट वो सेट है जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता, इट इज डिनोटेड बाय फाइ। एक एग्जांपल देके समझाता हूं, एक्स सच डेट x square plus 4 equal to 0 and x belongs to real number,
तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू जीरो, तो हमने बोला एक्स स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई माइनस फोर। अब कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर आपका नेगेटिव आता है, कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव आता हो, तो एक भी रियल नंबर नहीं आएगा बेटा, तो इसका आंसर हो गया फाइव। फाइव लिख लो या खाली ब्रैकेट, ये भी फाइव है, दूसरा वाला जो लिखा है ये भी फाइव है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। फिर एम्प्टी सेट के बाद आता है आपका सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब है जिसमें एक सिंगल एलिमेंट है, सिंगल लिखा हुआ है, जैसे ए बी इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, और एक्स बिलोंग्स टू नेचर नेचुरल नंबर। अब ये आपसे बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, और एक्स नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, 12 के फैक्टर हो गए 6 और 2, 4, 2, ये 4 कर दो इसको, कोई बात नहीं, तो 6 और 2 हो गए, तो 6 से नेगेटिव है क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, और प्लस 2, इसको 0 करने पर एक तो 6 आ रहा है, एक माइनस 2 आ रहा है, हमें सिर्फ नेचुरल नंबर चाहिए, तो इसका आंसर सिर्फ ब्रैकेट 6 हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, ट्वेल्व के फैक्टर अब ऐसा करो कि माइनस फोर आ जाए, तो माइनस सिक्स और प्लस फोर हो गया, सॉरी माइनस सिक्स और प्लस टू हो गया, तो एक्स माइनस सिक्स को जीरो किया तो एक्स इक्वल टू सिक्स आ गया और एक्स इक्वल टू माइनस टू आ गया, तो इसका ए की वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है सिक्स, तो ये सिंगलटन सेट हो गया आपका, एक सिक्स हो गया सिंगल, दिस इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, इसको सिंगलटन सेट बोल। क्लियर है? फिर हम बात करते हैं, हम आगे की चीजें ज्यादा काम में नहीं आती बेटा, मैं तुम्हें बता दूं आगे की, वैसे तो ये वाला तो चलो ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, कार्डिनल नंबर मतलब सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, जैसे मैंने बोला वन टू थ्री टू या फोर टू थ्री वन, अब इसमें काउंट करके देखो कि इसके अंदर कितने एलिमेंट आ गए, इसके अंदर कितने एलिमेंट आ गए, काउंट करिए, चार एलिमेंट आ रहे हैं, इसका कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर को ऐसे डिनोट कर लेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू फोर, दिस इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर, इसको कार्डिनल नंबर बोलेंगे, मतलब किसी भी सेट के अंदर कितने एलिमेंट है उसको कार्डिनल नंबर बोलते हैं। फिर आता है आपका इक्विवेलेंट सेट, पहले फाइनाइट और इनफाइनाइट बोल लो, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट का तो मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर सकते हो, फाइनाइट सेट मतलब जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट आप काउंट कर सकते हो, मतलब काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए, जैसे मैंने आपसे ये बोला a इक्वल टू x सच दैट x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 70, तो ये काउंटेबल है, 70 और 70 से कम नेचुरल नंबर काउंटेबल है, तो ये फाइनाइट सेट हो गया आपका, मतलब जिनके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं। अब देखो कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जिसको फाइनाइट सेट बोलेंगे, जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स लिविंग ऑन अर्थ, जितने भी ह्यूमन बींग्स जो कि अर्थ पे रह रहे हैं वो सब काउंटेबल है, फिर उन्हें सब कैसे काउंट करेंगे, तो वो अपनी दिक्कत है, काउंटेबल नंबर में प्रेजेंट, आप ऐसा नहीं बोलोगे कि इनफाइनाइट नंबर में प्रेजेंट है, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज फाइनाइट सेट, उसको हम फाइनाइट सेट बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट।
जिनके एलिमेंट्स को आप काउंट नहीं कर सकते. इज एग्जांपल रियल नंबर्स, इनफाइनाइट है, नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है, होल नंबर इनफाइनाइट है, ये सब इनफाइनाइट सेट में आते हैं. फिर और देखो, जैसे कोई भी एक प्लेन है, जैसे ये एक प्लेन है, इसमें कितने पॉइंट बना सकते हो? इनफाइनाइट पॉइंट्स इन ए प्लेन. लाइन इन ए प्लेन, किसी भी प्लेन पर नंबर ऑफ पॉइंट हम कितने बना सकते हैं, नंबर ऑफ लाइंस कितने बना सकते हैं, दिस इज इनफाइनाइट, वो काउंट नहीं कर सकते. तो दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट. इसके बाद आता है इक्विवेलेंट सेट. अभी ये ज्यादा काम की चीजें नहीं है जो अभी बता रहा है. इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट वो सेट, दो सेट ऐसे जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट. सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम, दो सेट ऐसे है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है उसको हम इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे. जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ ए इक्वल टू 312 एंड बी इक्वल टू ए बी सी. अब आप देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो ये दोनों आपके इक्विवेलेंट सेट के, दीज टू सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट. अब इसी के साथ साथ चलता है इक्वल सेट्स. इक्वल सेट्स जिसमें ए इक्वल टू बी, नंबर ऑफ एलिमेंट की तो इक्वल होंगे सेम, लेकिन एलिमेंट भी सेम होंगे. जैसे ए लिख दिया मैंने 3 1 2 1 2 3 और बी लिख दिया 1 2 3. नाउ हियर ए इक्वल टू बी. अब किसी ने बोला क्या ये इक्विवेलेंट है? बिल्कुल है. इक्वल सेट इक्विवेलेंट हमेशा होगा. इक्विवेलेंट सेट इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दो तरह की चीजें चल. इक्वल सेट हमेशा इक्विवेलेंट होगा, लेकिन इक्विवेलेंट सेट इक्वल होगा कि नहीं होगा पॉसिबल, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता. तो ये आपका इक्विवेलेंट सेट एंड इक्वल सेट्स. चलिए अब काम की चीजें अब चालू होगी जो पूछा जाएगा. और सबसे पहले आता है सबसेट. सबसेट्स, अब सबसेट क्या होता है हमें पता है. यदि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर, समझना ये और ये बी है, तो हम देख रहे हैं ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर, तो हम बोलेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी. ये सबसेट का सर. यदि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है तो हम बोलेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी. ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर और बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है तो फिर ऐसा होगा. और यदि दोनों साथ में है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, तो फिर बेटा ए इक्वल टू. यदि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है और बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है तो फिर ए और बी आपस में इक्वल, देन ए विल बी इक्वल टू बी. यदि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है और बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर, क्लियर है? अब देखो इनकी प्रॉपर्टी, सबसेट होता क्या है एक्चुअल में आप समझाता. अभी जो मैंने सिर्फ थ्योरी बताया, सबसेट ऐसा होता है जैसे मैंने आपसे बोला ए तो मैंने बोल दिया 1 2, तो यदि मैं इनके सबसेट लिख दूं, पहला सबसेट हमेशा फाई आएगा. फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट. एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट. फाई तो आएगा सी. ये देखो 1, फिर आ गया 2 और फिर आ गया 1. ये चार सबसेट होंगे. These are the four subset of set.
चार सच्चे ना हो, जैसे बी बोला मैं ए बी सी। अब यदि मैं इसके सबसेट्स की बात करूं तो पहला सबसेट तो भाई है फिर ए फिर बी फिर सी ए बी ए सी बी सी ए बी सी। यदि मैं काउंट कर रहा हूं तो नंबर ऑफ सबसेट एट आ रहा, तो ये कहलाते हैं इसके सबसेट, ऐसे सबसेट बने। तो यहां पर हमारी प्रॉपर्टी आ गई, प्रॉपर्टीज क्या क्या हो गई, प्रॉपर्टीज एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। सेकेंड सेट इटसेल्फ इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ऑफ एवरी सेट। एंड थर्ड नंबर ऑफ सबसेट दिस इज इक्वल टू 2 की पावर है। और चौथा और एग्जांपल लिखता है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट एक कम कर देना बस 2 की पावर एन माइनस वन। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट दिस इज इक्वल टू 2 की पावर एन माइनस वन, दिस विल बी द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है, जैसे इसमें प्रॉपर सबसेट कौन है, इसमें ये सब प्रॉपर सबसेट है बस खुद को छोड़, इनमें प्रॉपर सबसेट कितने हैं, ये ना ये प्रॉपर सबसेट, इसका मतलब जो खुद होता है वो प्रॉपर नहीं होता, वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है। तो खुद को छोड़ के बाकी जो भी सबसेट सेट बने उनको प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। अब जैसे आ चुका है ये प्रॉब्लम कि फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, अब स्टूडेंट यही क्वेश्चन गलत कर देता है, क्या पता प्रॉपर सबसेट इन द फॉर द इन द लेटर्स ऑफ द वर्ड अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी में पहले तो ये काउंट करो कि कितने लेटर्स हैं, और जैसे एक दो तीन चार पांच छ सात, कितने लेटर्स हैं काउंट करना, यही है कि सात ही लेटर्स है, कितने लेटर्स हैं, सेवन है, तो 2 की पावर सेवन माइनस वन प्रॉपर सबसेट, तो कितने सबसेट आ गए 127 प्रॉपर सबसेट। सबसेट होंगे 128 लेकिन प्रॉपर सबसेट होंगे 128 माइनस वन 127। दिस इज द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, ये नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट है। तो प्रॉपर सबसेट हो गए हमारे, सबसेट हो गए। अब आता है पावर सेट, पावर सेट सेट ऑफ पावर सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट, मतलब जितने भी सबसेट बने हैं उसका जो सेट होगा, जितने भी सबसेट बने हैं उसका जो सेट होगा उसको बोलेंगे पावर सेट। दो इसका पावर सेट, पहला सबसेट 5, 3, 7, 3 से, ये इसका पावर सेट होता है।
दिस इज कॉल्ड पावर सेट, ये इसका पावर सेट है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा देखो, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कार्डिनल नंबर निकालना। तो मैं क्या बता रहा हूँ, ट्रिक देखना, इसके अंदर जीरो एलिमेंट ऐसा लिखना भाई। तो इसके अंदर टू की पावर जीरो वन होगा, इसमें टू की पावर वन इक्वल टू टू होगा, और इसमें टू की पावर टू इक्वल टू फोर होगा। सो व्हाट इज द कार्डिनल नंबर, इसका कार्डिनल नंबर फोर आ गया। ए के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है तो ए के अंदर जीरो, तो पावर सेट के अंदर क्योंकि सबसेट होता है तो पावर सेट के अंदर टू की पावर जीरो, फिर टू की पावर जीरो आ गया वन, फिर बाहर एक और पावर सेट है फिर सबसेट, तो टू की पावर वन टू हो गया, फिर बाहर एक और पी लिख रहा है तो फिर पावर सेट, तो टू की पावर टू फोर हो गया। आया है समझ में, आया? एक और निकाल के बताओ, इसके अंदर कितने एलिमेंट हो? ए इक्वल टू फाइव कोमा वन, एक अंदर कितने एलिमेंट है? एक अंदर कितने एलिमेंट है? दो, दो ए के अंदर दो एलिमेंट, इसको सोल्व करना पड़ेगा, बहुत लेंदी आएगा, लेकिन मैं तो एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। इसके अंदर टू की पावर टू की पावर टू की पावर 16, इतने एलिमेंट है। तो मैंने ट्रिक ये बता दी थी। अब एक प्रॉब्लम और बताता हूँ कि जैसे पूछा जा सकता है, पहले तो मुझे ये बताइए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? पांच है, बिल्कुल सही है, पांच। सही है गलत है? सही है गलत है? फाइव इज अ सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल होगा, हमेशा सही होगा, फाइव तो आपका सबका सबसेट होगा, ट्रू। बोलिए, ब्रैकेट फाइव इज ए सबसेट ऑफ ए, सही है गलत है? ट्रू, बिल्कुल सही है। ब्रैकेट दो, सबसेट कभी पूछे इसको छोड़ दो, क्या ये एलिमेंट है कि नहीं है? ए, ये सही है गलत है? ब्रैकेट ब्रैकेट फाइव इज ए सबसेट ऑफ ए, एक ब्रैकेट हटा के देखो वो एलिमेंट है कि नहीं, सीधा तरीका है, लास्ट वाला ब्रैकेट हटा के देख लो क्या अंदर वाला एलिमेंट है कि नहीं है। सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एलिमेंट है।
यह सही है गलत है? 1 2 ब्रैकेट 1 2 इज ए सबसेट ऑफ ए, बेटा ये गलत है, ये गलत है। मैंने क्या बोला, इसको उठा के देख, वन का दिख रहा है, नहीं दिख रहा वन, ये तो पूरा एक एलिमेंट है, ये तो है ही एलिमेंट, ये फॉल्स। बोलो ये सही है गलत है? ये सही है गलत है? सही है। ये सही है गलत है? ये सही है गलत है? गलत है, बिल्कुल सही, गलत है। यूनिवर्सल सेट,